हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास सिक्स। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर फोर्थ साइंस का शुरू करने जा रहे हैं, उसकी रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के समूह बनाने, कैसे वस्तुओं के समूह बनाए जाते हैं, हमारे चारों ओर की वस्तुएँ। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर देखिए गोल आकृति की वस्तुएँ पहचानी है। हमारे इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो यह सेब, संतरे तथा गड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। और बोला हमारे घर में काफ़ी सारी वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं को सम्मिलित कैसे करते हैं, हम इकट्ठा कैसे रखते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि जैसे हमें आसानी रहे कि ये वस्तु वहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर वस्तुओं को एक साथ रखते हैं। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों, उन वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें अध्याय वन में सारणियों 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया गया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें भी कुछ वस्तुएं समूह में सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाते हैं जिसमें बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा अन्य किसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं को समूह बनाने के लिए बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? ओके, तो और देखते हैं, ये एक्टिविटी है हमारी। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर मैं बता देता हूँ कि वस्तुएं पदार्थ जिनसे वे बनी, जैसे प्लेट है वो किन किन से बनी है उसके आधार पर, पेन है प्लास्टिक पे बना है, धातु से बना, तो आपने इस तरीके से वस्तुओं को इकट्ठे करना है। अब ये तो हो गए वस्तुएं पदार्थ जिससे बनी है। पदार्थ लकड़ी से बनी वस्तुएं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और उसके पहिए, कागज से बनी वस्तुएं, चमड़े से बनी वस्तुएं, तो इस प्रकार से हमने वस्तुओं को सम्मिलित करना है। तो ये क्रियाकलाप में ये बता रखा है। ओके, पदार्थ के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय तीन में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए या ध्यान में रखिए कि हम गिलास का प्रयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए जब ये कपड़े का गिलास बनाए तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पदक प्रतीत होता है। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु तथा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी हमें बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम ऐसे देखते हैं या देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जिससे उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे दिए कुछ गुणों की विवेचना की। सबसे पहले देखा है दिखावट। अब दिखावट के आधार पर वस्तुओं को बांट सकते हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे तथा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ओके, तो ये आप कर लोगे कि वस्तुओं को हम धातु, लकड़ी की जिससे वो बनी है, प्लास्टिक से बनी है, तो उसके बेस पर हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। ओके, ये क्रियाकलाप का हिस्सा है, ये हम क्रियाकलाप क्लास में ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है कठोरता। जब हम आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है तथा कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु के एक चाबी लीजिए, इसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ तथा वस्तुओं के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, उनको कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो पदार्थ को दिखावट का वर्णन करते हैं? ओके, अब विल्या या अविल्या आ गया। विल्या तथा अविल्या
ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से पानी में घुलते हैं, कौन से पानी में नहीं घुलते हैं, तो ये आपको पता है। ओके, ये क्रियाकलाप की मदद से समझाया गया। नमक जो है वो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी पानी में घुल जाती है, बालू नहीं घुलती, चाक पाउडर नहीं घुलता, लकड़ी का बुरादा भी नहीं पानी में घुलेगा। ओके, तो ये अविलय यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं। आप यह पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाए तथा घुल गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है, अतः पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में ही विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, उनको अविलय पदार्थ बोला जाता है। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जीवन जल में विलीन हो जाते हैं? ओके, तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपने ये जितना हमने चैप्टर पढ़ा आप इसको आसानी से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। ओके, इसमें आपका ही फायदा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।